जय हिंद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश की तरफ से 1 सितंबर 2023 को आई है एक अच्छी खबर उन विद्यार्थियों के लिए या शोधार्थियों के लिए जो वेट कर रहे थे दूसरी प्रतीक्षा सूची या वेटिंग लिस्ट का पीएचडी के एडमिशन को लेकर। उसी को लेकर ये अपडेट आया है और एक डिपार्टमेंट की सेकेंड पीएचडी में सेटेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आई है। और साथ ही साथ में थोड़ी सी बुरी खबर ये भी है कि 1 से 2 दिन का ही समय आपके पास शेष है अपने सब्जेक्ट की फ़ीस यानी कि कोर्स वर्क की फ़ीस को एडमिशन लेने का सबमिट करने का। फीस है सबमिट करने की 25,000 रुपये और एससी एसटी के बच्चों को देना होगा 12,500 रुपये। जो बच्चे यूपी के बाहर के रहने वाले हैं और उनका चयन हुआ है तो वो सब एससी कैटेगरी में नहीं जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। एससी एससी एसटी और एससी कैटेगरी का लाभ केवल यूपी के बच्चों को ही मिलेगा क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, निफ्टी के माध्यम से भी फेवर ऑफ FOCCS यूनिवर्सिटी मेरठ के नाम से भी ड्राफ्ट बना के फीस को सबमिट कर सकते हैं। अकाउंट के माध्यम से भी फीस को सबमिट कर सकते हैं। अकाउंट नंबर है 5019947025 और IFC कोड है IDIB000M690। ठीक है, ये है बैंक ऑफ इंडिया की डिटेल। अटेंडेंस 75% होना कंपलसरी है कोर्स वर्क के दौरान। जिस डिपार्टमेंट की सेकंड लिस्ट आई है उस विभाग का नाम है शिक्षा शास्त्र। जी हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये सेकंड लिस्ट आई है। नॉट ए स्पेशल एजुकेशन, नॉट ए फिजिकल एजुकेशन, जस्ट कॉल एजुकेशन, यानी कि शिक्षा शास्त्र विभाग की ये सेकेंड लिस्ट है। ये लिस्ट आई है 1 सितंबर को। फीस जमा करने की लास्ट डेट है 4 सितंबर 2023। 13 बच्चों का हुआ है चयन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर। जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 6 और एग्जामिनेशन के बेस पर सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग जिन बच्चों का चयन हुआ है उनकी संख्या है 7, यानी कि टोटल 13 बच्चों का चयन हुआ है एजुकेशन पीएचडी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग। आपके इंटरव्यू में कितने नंबर हैं, जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी में हैं वो देख सकते हैं, एग्जामिनेशन के आधार पर मिला है वो देख सकते हैं, जिन बच्चों का चयन एंट्रेंस और इंटरव्यू के बेस पर हुआ है वो बच्चे देख सकते हैं कि उनको एंट्रेंस में और इंटरव्यू में कितना नंबर मिला था, इसका ध्यान रखिएगा। फीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ड्राफ्ट के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करी जा सकती है। सबमिट करने के बाद वर्किंग डेज में यानी कि 4 सितंबर से पहले अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपनी फीस स्लिप की कॉपी को सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वहाँ वेरीफाई करवाने हैं। ये सब प्रोसेस अगर आप नहीं करेंगे 4 सितंबर तक तो भी हो सकता है आपका चयन किसमें बदल जाए, डी सिलेक्शन में बदल जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी सेकंड लिस्ट को लेकर किसी और डिपार्टमेंट की। अभी कोई सेकंड लिस्ट नहीं आई है। जैसे ही किसी और डिपार्टमेंट की पीएचडी की सेकंड लिस्ट आएगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की, आपको उसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट या मेरे चैनल से प्राप्त हो जाएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किस विभाग के लिए अप्लाई किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ में आपने किसी अन्य विश्वविद्यालय के लिए यदि आवेदन किया है उसको लेकर भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई उलझन है तो कमेंट बॉक्स में उसका भी स्वागत है। आपने अपना समय दिया, इंटरनेट का डेटा दिया, अपना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। सवालों के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।